कैसे हैं आप लोग। मैं रमजान एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गई। और जैन जो है ना वो तैयारी भी कर रहे हैं स्कूल जाने की। ऑलराइट जैन साहब की फरमाइश है कि उन्हें खाने हैं बिस्किट, वो भी जीरे वाले। और मैं बना रही हूँ जैन के लिए साथ साथ जान का लंच भी तैयार करते हैं। राइस और जो है ना वो जान तैयार हो रहे हैं, तैयारी चल रही है जान की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं जा रहा हूँ स्कूल, स्कूल से आके सोऊंगा फिर ट्यूशन जाऊंगा। और मदरसे, मदरसे भी जाना है, संडे की छुट्टी है। देखें ये जैन का नाश्ता, जीरे वाले बेकरी के बिस्किट कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगने लग गए हैं आजकल। इनकी मर्जी होती है, जो इनका दिल चाहता है ये वो खाते हैं, कभी की कुछ कभी कुछ। और ये मदरसे के कपड़े प्रेस कर दिए हैं, आने के बाद मदरसे जाएंगे। चलिए नया नाश्ता करें आप। और जी जैन का लंच रेडी हो गया है और इसके साथ लेके जाएंगे उनकी फरमाइश है मम्मा थोड़े से फ्राइज और एक बिस्किट, तो देते हैं। रात से मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नज़ला भी हो रहा है। और आप ये देखिएगा मम्मास ड्यूटी ऊपर से नीचे तक बैग बच्चों का लेके जाना, तो चलें छोड़ते हैं जैन को। जैन मूड हो रहा है, जैन क्या करें। और ये तैयार होके क्या कर रहे हैं, चलो बाय बाय, स्कूल जा रहे हैं, फिर आके मिलते हैं हम आपसे। चलिए चलिए जल्दी चलिए, दादा बाहर हैं आपके। बाय बाय जान, चलो बैठो। ना जान चले गए हैं और पापा का नाश्ता बनाते हैं। पहले पहले हम पीते हैं पानी, गला कुछ ख़राब हो रहा है तो सादा पानी ही पीना चाहिए भाई, बहुत मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने भी सादा पानी ही पी लिया और मैंने बाबा के ब्रेड जो है फ्राई कर लिए हैं और चाय बनाने रखी एक तरफ, ब्रेड फ्राई हो गए। और आएंगे पापा जैन को छोड़ के, फिर नाश्ता देते हैं और साथ में हम भी पी लेंगे सुबह सुबह की चाय। लेकर आते हैं पापा को नाश्ता और साथ ही मम्मा भी उठ गई हैं, उनकी भी चाय निकाल ली और मैंने अपनी भी निकाल ली। तो जी पीते हैं चाय। और जी जनाब, मैं जो है वो एक जल्दी जल्दी में सुबह अच्छी बात से अपना स्टार्ट किया, नहीं तो अब कर लेते हैं हम अपनी अच्छी बात के नमाज़। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, नमाज के बग़ैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं बेशक। और जी जनाब, उठ गई हूँ मैं और सुबह चाय पीने के बाद जो है वो इतनी तेज़ नींद आई कि मैं यूँ मोबाइल साइड में रखा और मैं सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला इतनी तेज़ नींद आई, क्योंकि रात को सोते सोते भी लेट हो जाता है। फिर सुबह जैन के लिए जब उठी तो फिर जैन को भेजने के बाद बहुत देर नींद आई सो तो अब उठे और सफाई करते हैं, उसके बाद जो है नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। और अच्छा मैं आपको एक बार बताया तो भूल गई कि आपको दिख रहा होगा कि ना मैं किचन में कबाड़ नहीं लगे हुए, मैं दिखाती हूँ आपको, देखें आप। और
ऊपर भी नहीं लगे हुए, तो इनके अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ये ऊपर का पोर्शन हमने बनाया है और बन गया है माशाल्लाह से। और फिनिशिंग इसकी चल रही थी, तो फिनिशिंग के दौरान ही फलन की तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरा बहुत सारा काम रुक गया फिनिशिंग का। टाइल वगैरह लग गए थे और कुछ टाइल रह गए थे, तो मतलब फॉर्सलिंग वगैरह रह गई थी, ये देखें आप। अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो इंशाल्लाह फलन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर हम अपना जो है घर का काम कंटिन्यू करेंगे, कबर्ड्स वगैरह लगाने हैं, फॉर्सलिंग करवानी है और कलर करवाने हैं, बहुत सारे काम हैं फिनिशिंग है जो कि रह गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी अभी हमारी ये फॉर्सलिंग रह गई है और ये कलर्स रह गए हैं। तो जी अब जब फरहान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना घर को जो है बिल्कुल रेनोवेट कर लेंगे। और अभी जो है उनकी तबीयत की वजह से जो है वो हमने काम रोक दिया था कि हम बाद में करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। जाहिर है जब आदमी बीमार होता है तो काम भी अच्छा नहीं लगता ना, तो जब वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह तो मैं अपना सब कुछ सेट करवा लूँगी, ये सब कलर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी हो, बिल्कुल साफ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पर कबर्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए तो वो मैं जो है बाद में लगवा लूँगी। वैसे तो मतलब माशाल्लाह से साफ सुथरा है, बहुत प्यारा सा है, अब चेक करवा लेंगे इंशाल्लाह। फिर मम्मा नाश्ता रेडी कर रही हैं और मम्मा भी कह रही हैं पराठा नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी ब्रेड, तो फ्राई करती हैं। और ये मैंने छोले अपने उबाल में रख दिए हैं, बयान हो गया है तैयार मदरसे के लिए। चलो जान जल्दी से टोपी पहनो। और जी हम हो गए थे फ्रेश और थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, काम था थोड़ा सा, और फिर हम वहाँ से लेकर आए छोले बिरयानी और फेजू की भी चाट लेकर आए, क्योंकि हमने जो है वो नाश्ते में ब्रेड और चाय खाई थी, कुछ दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर वापसी में मम्मा ने कहा ले लेते हैं थोड़ा सा, फेजू भी खा लेंगे, हम भी खा लेते हैं, तो फिर अब खाते हैं। और जी जैना गए हैं और भूख लग रही है, तो थोड़ी सी बिरयानी वो खा के गए थे और थोड़ी बचा के गए थे, तो उन्हें गर्म कर देते हैं। मम्मा मेरी बची हुई बिरयानी गर्म कर दें, मैंने बोला अच्छा कर देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा जो है ना कुछ नया करती रहती हैं। पहले तो ये गाने और ये देखिएगा डिवाइडर हो रहा है साफ, 4 महीनों में हाल देखें आप मेरे डिवाइडर का। तो मम्मा कह रही हैं कि कोई भी चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए ना, सफाई सुथराई। तो ये देखें आप, ये मेरा डिवाइडर है, ये हीरा का डिवाइडर है। अब मम्मा सफाई कर रही हैं, अभी आपने देखा बिल्कुल जब नीट एंड क्लीन हो जाएगा ना फिर दिखाएंगे हम आपको। और जी ये देखिएगा मम्मा ने कितनी मेहनत करी है, ज़बरदस्त। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा आज मम्मा ने बहुत मेहनत करी है भाई, ज़बरदस्त। नीचे के कबर्ड्स वगैरह सब साफ किए मम्मा ने, माँ जैसा तो वाकई कोई नहीं होता, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरा ओवन वगैरह सब साइड पे ही है, तो यहीं रखा हुआ था तो हमने इसको छेड़ा नहीं, क्योंकि ये बहुत हैवी है, उठाने में गिर भी ना जाए। तो फिर यहाँ हमने सारे फैलावा हो रहा था उसको सेट करके साइड पर कर दिया है, और हमने कहा चलो ये भी खाली कर दिया है बिल्कुल। आज हमने खाना बनाया नहीं और पापा लाए हैं तंदूर की रोटी और नहारी, ये उसका मसाला, खाते हैं अपनी नहारी। और जी जनाब खाना हमने खा लिया है और गुज्जर की नहारी लाए थे पापा, और मैं और पापा दोनों गए थे और हम गुज्जर की नहारी लेकर आए थे और बहुत ही मज़े की थी।
फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करी थी, बहुत मज़े की थी। उसके बाद जो है वो पता नहीं क्या मामू आ गए थे तो हम उनके साथ बिजी हो गए थे, और बातें बातें करने में चाय वाय हमने पी ली उसी के साथ। अब जो है थोड़ी सी फिर भूख लगी, तो आजकल जो है फेवरेट चल रहे हैं कुरकुरे मेरे, और बाहर से हम डेजर्ट भी लेकर आए थे, तो दिल चाह रहा कुछ खाने का। अब कुछ बेहतरी तबीयत लगी है तो दिल चाह कुछ खाएं, तो फिर खाने में बैठ गए। और जैन सब सो गए हैं अपनी नानू के पास, नानू मोबाइल चला रही हैं और मैं अपनी नाइट स्कैविंग कर रही हूँ। और जिस दिन आप अपने व्लॉग का एंड करते हैं एक अच्छी बात के साथ कि बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है, तो आप लोग भी इस बात को सोचेगा, मैं भी। और जी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरे व्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।